फ्रेंड्स, अगर आप एक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा सोलर इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है और कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक सोलर सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 पे आता है सोलर इन्वर्टर, क्योंकि जो सोलर इन्वर्टर होता है वो ग्रिड पावर और सोलर पावर को मैनेज करके आउटपुट सप्लाई देता है, जिसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 पे आता है सोलर पैनल, जो कि सूर्य की किरणों को अब्जॉर्ब करके और पावर जनरेट करता है, जिसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 पे आती है बैटरी, जो कि पावर को स्टोर करती है। जब सूर्य से यानी कि पैनल से पावर नहीं मिलती है और ग्रिड की पावर भी नहीं होती है, तब बैटरी से बैकअप मिलता है। फ्रेंड्स, बैटरी में भी बहुत सारी खूबियां होनी चाहिए, जैसे लो मेंटेनेंस, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन, लॉन्ग बैटरी बैकअप और ज्यादा से ज्यादा वारंटी मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, इन्हीं को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक कंप्लीट सोलर सिस्टम, जो कि आता है ईस्टमैन कंपनी की साइड से, जिसका मॉडल नंबर है EGP2650। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्वर्टर है 2500 VA का है, जिसके ऊपर हम 2 किलोवाट का लोड आसानी से चला सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर हम 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इस सोलर इन्वर्टर के क्या क्या फीचर है, क्या क्या फंक्शन है और इस इन्वर्टर के ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं, और फ्रेंड्स इसके साथ में हमें कितने साल की वारंटी देखने को मिलेगी, और फ्रेंड्स जो ये इन्वर्टर है हम कहां से खरीद सकते हैं। अगर आप ईस्टमैन का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर हैं। ये है ईस्टमैन कंपनी का गोल्ड सीरीज का सोलर होम PCU PWM साइन वेव इन्वर्टर है। इसके अंदर फ्रेंड्स कुछ फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि मल्टी कलर LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर सारे फंक्शन आपको मिल जाते हैं। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर दिया गया है। प्योर साइन वेव आउटपुट इसकी सप्लाई मिलती है। अगर हम इसके साइड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, हम आपको जूम करके इसको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सोलर होम PCU के काफ़ी सारे फीचर। आप इसको पॉज करके या स्टॉप करके वीडियो को पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे तो हम जब इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे तो सारे के सारे फीचर आपको समझा भी देंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो खास फीचर है वो ये है, जो कि प्रायोरिटी सिलेक्शन है, PCU मोड, स्मार्ट मोड और हाइब्रिड मोड। इसमें क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी भी सेविंग होगी और मनी भी सेविंग होगी, तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसके नीचे एक स्टिकर दिया गया है, इसके ऊपर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई है, जैसे कि मई 2022, और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है EGP2650 और 24 वोल्ट में, और इसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर दिखाते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है और इसके फीचर कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से थर्माकोल सेट किया हुआ है, ताकि ट्रांसपोर्ट में टूटने वगैरह का खतरा ना रहे। मान लीजिए आप इसको ऑनलाइन मंगवाते हैं तो आपके मन में ये डाउट आता है कभी ऑनलाइन में टूट फूट जाए इधर उधर फेंकने से, तो ये अच्छे से थर्माकोल सेट करके भेजते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अभी हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्वर्टर को हमने अनबॉक्स कर लिया है। इन्वर्टर के साथ में सबसे पहले हमें एक ये यूज़र मैनुअल वारंटी कार्ड देखने को मिला था। इस यूज़र मैनुअल के अंदर इस इन्वर्टर के फंक्शन, फीचर, इंस्टॉलेशन, सारी डिटेल इसके अंदर देखने को मिल जाती है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, और पीछे की साइड में यहाँ पे एक ये वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम साइड में रखते हैं, और इसके साथ में AC और DC के फ्यूज स्पेयर में मिल जाते हैं। मान लीजिए फ्यूचर में कभी फ्यूज वगैरह जल जाते हैं तो आप इनसे चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये DC वायर का पीस मिल जाता है, जब हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब ये काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि इसी के साथ में हमें एक वायर मिल जाता है, जिससे हम बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये है हमारा इन्वर्टर, ईस्टमैन गोल्ड सीरीज का इन्वर्टर, PWM टेक्नोलॉजी का है और प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि इस इन्वर्टर के अंदर क्या अभी चल रहा है, क्या कितना मतलब बैटरी चार्ज है, कौन से पावर पे चल रही है, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर दिखाई देगी।
और फ्रेंड्स यहाँ पे की फंक्शन दिए गए हैं। मान लीजिए हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग करनी है तो हम इन की सहायता से, बटन की सहायता से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम इनको सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये बटन दिया गया है जो कि आईटी मोड को अनेबल डिसेबल करने के लिए दिया गया है। मान लीजिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं और कंप्यूटर में अगर कट लग जाता है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, जिससे हमारा डाटा सेव नहीं हो पाता। अगर हम इसको अनेबल कर देंगे तो पावर कट नहीं लगेगा, तो ये भी एक अच्छा फीचर दिया गया है। फ्रेंड्स इसके अंदर SMF ट्यूबलर बैटरी को चेंज करने का सिलेक्शन दिया गया है। इसके अंदर आप जेल SMF ट्यूबलर बैटरी को भी सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स सिस्टम का ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जब सिस्टम ऑन होगा तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन। बूस्ट चार्जिंग का, मान लो बैटरी को आप बूस्ट चार्जिंग, जल्दी चार्जिंग करनी है तो यहाँ से इस बटन की सहायता से आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ग्रिड चार्ज और डीजी मोड में भी एक अनेबल डिसेबल का बटन दिया गया है, तो इससे आप ग्रिड चार्ज पे भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको डीजी के ऊपर ऑपरेट करवाना है ये, तो डीजी के ऊपर भी इसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे इसके डिस्प्ले और ये इसके की फंक्शन। अभी हम चलते हैं इसकी बैक साइड में और क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इन्वर्टर का बैक साइड का पैनल। यहाँ पर हम सोलर पैनल के कनेक्शन कर सकते हैं जो कि 4 टर्मिनल दिए गए हैं, 2 नेगेटिव के और 2 पॉजिटिव के। मान लीजिए फ्रेंड्स हम कनेक्शन करते टाइम गलत कनेक्शन कर देते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे SPV रिवर्स वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि कनेक्शन गलत है और इसको देख के हम कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक इन्वर्टर के अंदर कूलिंग रखने के लिए कूलिंग फैन दिया गया है। और नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी DC फ्यूज दिए गए हैं। जब हम अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो हमें यहाँ पे इस तरह के DC फ्यूज स्पेयर में मिले थे। मान लीजिए किसी कंडीशन में ये फ्यूज जल जाते हैं, ग्लो हो जाते हैं, तो इनसे हम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे इनपुट AC फ्यूज देखने को मिल जाता है, ये फ्यूज भी स्पेयर में देखने को मिले थे। फ्रेंड्स इसको भी मान लो ये जल जाता है तो चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे साइड में देखेंगे तो AC रीसेट का बटन दिया गया है। मान लीजिए इसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, किसी कारण ये नहीं चल पा रहा है, तो आप इस बटन को दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा और चलने लग जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट सॉकेट दी गई है जो कि पावर सॉकेट है। इसके ऊपर आप हैवी से हैवी लोड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये एक पावर सॉकेट है और आप इसके ऊपर 2 किलोवाट तक का लोड आसानी से चला पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 केबल दी गई है जो कि बैटरी की केबल है। इसके ऊपर आप 2 बैटरी सीरीज में कनेक्ट करके लगा सकते हैं। सीरीज में कैसे फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो 24 वोल्टेज पे चलने वाला है। हम आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताएंगे जब आपको पता लग जाएगा। वो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं AC इनपुट, इसके साथ में एक ये 3-पिन टॉप की एक वायर दी गई है, केबल दी गई है जो कि हैवी ड्यूटी का 3-पिन टॉप मिलता है इसके साथ में। और फ्रेंड्स इसको आप चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका टेक्निकल डाटा। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर दिया गया है, DC वोल्टेज दी गई है 24 वोल्टेज, यानी कि डबल बैटरी इसके ऊपर यूज करनी है। आउटपुट वोल्टेज सिंगल फेज के अंदर आती है। नॉमिनल इनपुट वोल्टेज जिससे हम इसको चार्ज लगाएंगे सिंगल फेज 230 वोल्टेज। और इसके ऊपर हम सोलर पैनल को 31 वोल्टेज से लेके 49.5 वोल्टेज वाले लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया गया है। फ्रेंड्स ये तो थी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अगर हम इसके बटन की सेटिंग के बारे में बात करें तो इसकी जो सेटिंग दी गई है उसका जो चार्ट है वो इन्वर्टर के ऊपर की साइड में दिया गया है, उसको देख के आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस इन्वर्टर के साथ हम ईस्टमैन कंपनी की 2 टाल ट्यूबलर बैटरी यूज करने वाले हैं। एक बैटरी की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो हम आपको नज़दीक से दिखाने वाले हैं, क्या क्या इस बैटरी के फीचर हैं, क्या इस बैटरी को लगाने के हमारे बेनिफिट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये है ईस्टमैन कंपनी की सोलर बैटरी जो कि मेड इन इंडिया कंपनी है, जिसका मॉडल नंबर है EM150SB। फ्रेंड्स इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 150 AH 12 वोल्ट है। और फ्रेंड्स इसके साथ में 120 महीने की वारंटी मिलने वाली है, 60 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 60 महीने की प्रोराटा यानी कि कंडीशनल वारंटी है। फ्रेंड्स मान लीजिए आपकी बैटरी पहली साल में ख़राब हो जाती है, उस कंडीशन में कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको
बैटरी को फुल रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं और प्लस में 1500 रुपये भी आप ले सकते हैं, यानी कि आपको 1500 रुपये और फुल रिप्लेसमेंट आपको मिलने वाली है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे बैटरी के कुछ फीचर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हायर कंसिस्टेंट बैकअप मिलने वाला है, लॉन्गर लाइफ मिलने वाली है, सेल्फ डिस्चार्जिंग ऑप्शन मिलने वाला है और क्विक चार्ज का इसमें अंदर ऑप्शन मिल जाता है। और टाल ट्यूबलर बैटरी तो ये है ही, लो मेंटेनेंस मिलती है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मेड बाय जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर हम बैटरी यूज करने वाले हैं और फ्रेंड्स इसके साथ में हम सोलर पैनल भी यूज करेंगे। सोलर पैनल कौन सा यूज करने वाले हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ईस्टमैन कंपनी का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये वाला सोलर पैनल हम इस इन्वर्टर के ऊपर कनेक्ट करने वाले हैं। इसकी कैपेसिटी 395 वाट है। इस तरह के आप पैनल लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर 2000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का पैनल है, यानी कि ये मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है। हम आपको इसकी बैक साइड से भी दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं ये है सोलर पैनल का बैक साइड। इसके नीचे की साइड आप देख सकते हैं ईस्टमैन कंपनी का नाम लिखा हुआ है। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ये वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाता है ईस्टमैन की साइड से, और इसकी यहाँ पे एक टेस्ट रिपोर्ट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक ये IP68 रेटेड का एक जंक्शन बॉक्स देखने को मिल जाता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव केबल देखने को मिल जाती है विद MC4 कनेक्टर के साथ में। और फ्रेंड्स इसकी जो पैनल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है आप यहां पे देख सकते हैं, ये 395 वाट का सोलर पैनल है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा जो हमारा 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम था उसके क्या क्या फीचर हैं और क्या क्या फंक्शन है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इस इन्वर्टर के साथ में हमें कितनी साल की वारंटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स जो हमारा ये इन्वर्टर है इसके साथ में हमें 2 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। बैटरी की हमने आपको बताई दी थी, और जो सोलर पैनल है उसके साथ में आपको 25 साल की कंडीशनल वारंटी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन की और इसके ऊपर लोड चलाने वाली वीडियो देखनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम उसके लिए एक वीडियो और बनाने वाले हैं, एक नहीं आपके लिए 2 वीडियो और बनाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वाला सिस्टम हमें कहाँ से लेना है। फ्रेंड्स आपको अगर ईस्टमैन कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे भी देखने को मिल जाएगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नज़दीकी डीलर से लेना है तो आप अपनी लोकल मार्केट से या अपने शहर से पता कर सकते हैं ईस्टमैन का लोकल डीलरशिप कहाँ पे है, वहाँ से जाके आप इनसे बात करके ईस्टमैन के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।